शिवपुर गांव की सड़क आधे से अधिक गांव को जोड़ने वाली सड़क अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। विकास की बात की जाए तो यहां पर सब फेल है। केंद्र में मोदी सरकार दोबारा बन चुकी है, लेकिन उनके द्वारा की गई विकास की बातें यहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। शिवपुर गांव की सड़क आधे से अधिक गांव को जोड़ने वाली सड़क अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। विकास की बात की जाए तो यहां पर सब फेल हैं। केंद्र में मोदी सरकार दोबारा बन चुकी है, लेकिन उनके द्वारा भी कही गई विकास की बातें यहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे तालाब बने हुए हैं। इसी सड़क से लोग बाजार तहसील जाने के लिए निकलते हैं। कई बार साइकिल सवार सड़क पर बने गड्ढे में गिरकर जख्मी भी हो चुके हैं। 2 किलोमीटर के रोड को तय करने में कई घंटे लग जाते हैं। अरे पानी कहना भरता गड्ढिया में कड़ी कड़ी नहीं बन गए कड़ी कड़ी नहीं बगे घर में पानी आया मेरे कड़ी कड़ी को बह गए। अरे इसमें 12-15 साल हो गए सड़क बनी किसी ने मुड़ के इसको पाया मिट्टी अब तो अभी नहीं आते फिर सड़क की सफाई करते मारे मोटे बीन में गड्ढा कर दो ये पैर पानी सड़क में से निकाल दो वो भी नहीं आ रही। दूसरी बार आके मोदी ने कुछ नहीं करा हमारे लिए। अब आप क्या चाहते कुछ नहीं करा। हाँ ये ऐसे देखो आप तुम देखो भी क्या करना चाहिए आप ही देखो पानी घर वहाँ बढ़ना चाहिए कि निकलना चाहिए सड़क के बाहर ठीक है ए? ये हम कुछ नहीं करे मैं ले आया हाँ गड्डियाँ बंद कर देंगे गड्डियाँ 4 दिन में बंद हो देंगे गड्डियाँ नहीं बंद हो रही कहते ये तो सरकारी रोड है आपका थोड़ो मसा है लोकल रोड है जिमीदारा एक तो सरकारी है हाँ इस लड़के के साथ मार देंगे फिर रुकना क्या करना उधर भी रोक तैयारी पर भी ऐसा करो जी नाली साफ कराओ नालियाँ साफ हो और पानी निकले नमी बननी चाहिए रोड़ी पड़नी चाहिए ऊंची होनी चाहिए दौड़ा बने जैसे बस जब यहाँ इतनी गड्डिया चलती हैं तो सड़क तो अच्छी होनी चाहिए बिना सड़क से क्या गड्डिया चलती हैं अब छोटे छोटे वाहन बहुत चल रहे फैक्ट्री वाले बहुत चल रहे क्या करें बस ये है। पोंटा साहिब शिवपुर गांव की सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। सड़क पर पानी का ठहराव होने के कारण वाहनों का यहां से निकलना मुश्किल हो गया है। बड़े वाहन तो निकल जाते हैं, लेकिन छोटे वाहन इन तालाबों में कई बार फंस चुके हैं। दोपहिया वाहन चालकों व पैदल चलने वालों की तो परेशानी और भी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने PW विभाग से समस्या से निजात दिलवाने की मांग की है। बरसात होने की वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कई दिन पूर्व हुई बारिश का पानी सड़क पर जमा है। इस सड़क से कई गांव के लोगों को गुजर कर जाना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि इस समस्या से अवगत नहीं करवाया होगा। कई बार यहां के विधायक सुखराम चौधरी व विभाग के अधिकारियों से इस बारे में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमेशा झूठे आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पर यहाँ की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, जबकि सड़क बनाने के लिए 60 लाख से अधिक की राशि यहाँ के इंडस्ट्री एरिया से दी गई है ताकि सड़क की मुरम्मत हो सके, लेकिन विभाग क्यों इतना लापरवाह हो रहा है। चलने फिरने की बच्चियों को छोटे जाना बड़ा स्कूल तो बड़ा मुश्किल है गिरने का खतरा गड्डिया बहुत जरूरी कई बार शिकायत करी एक्शन SDO एक्शन साहब ऐसे कह रहे भी टेंडर लग गया इसका 66 लाख का काम शुरू होने वाला काम होता नहीं। कितना टाइम हो गया कब कही ये रोड को ऐसे ये सड़क 5-6 साल हो गए इस पर कैसे तो जो इस बार इलेक्शन वादे के तो पूरे हुए ना हाँ विधायक ने बोल लिया था उस दिन विधायक लगा कहना आया था मेरे मगर जी आपने कराया कुछ नहीं 2 साल में यहाँ गड्डिया नहीं रुकवाई बोला SDM को लेके आऊंगा मैं सड़क का भी काम होने वाला फिर मैं अभी 2-4 दिन पहले SDO को गया था वो लगे कहने भी इसका टेंडर 66 लाख का हो गया काम जल्दी जल्दी हो जाएगा प्लीज करो आप तो आपको क्या उम्मीद हो जाएगा ये काम। वैसे तो उम्मीद तो पूरी है भी होगा जब पैसा इंडस्ट्री वाले ने जमा कर दिया 66 लाख रुपए ड्राफ्ट जमा हो गया उनका सेंक्शन के लिए गया चीफ ऑफिस वाला टेंडर ठीक है इसका। विधायक सुखराम चौधरी ने बताया कि सड़क की समस्या से उन्हें ग्रामीणों ने अवगत करवा दिया है। 60 लाख की राशि इस सड़क की मुरम्मत के लिए दी गई है। इसका टेंडर लगा दिया गया है और खुद ही ठेकेदार से मिलकर सड़क की मुरम्मत का कार्य करने की बात करेंगे। 2-3 पंचायतों के लोग इस समस्याओं को लंबे समय से झेल रहे हैं, लेकिन अब इसका समाधान जल्द किया जाएगा।
जहाँ तक आपने सड़क की बात कही, हरिपुर टवाणा से 55 मंत्रालयों, उसका पिछले दिनों ही टेंडर लगा है और अभी 5-7 दिन में काम अवार्ड हो जाएगा और लगभग 80 लाख रुपये हमने उसका स्वीकृत करवाया है सड़क का। जैसे ही वो काम हो जाएगा, उस सड़क की समस्या भी खत्म हो जाएगी, अच्छी सड़क बनाकर हम लोगों को देंगे।